हजिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लिपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं है, पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8-8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य के हित का मामला अध्यक्ष महोदय। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अपने पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला के साथ हुए कुकर्म पर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस घटना के बाद प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने केंद्र सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से ऐसी घटना फिर कभी नहीं हो, इसको लेकर ठोस कानून बने। देखिए वीडियो गुंजन सिंह ने और क्या कुछ कहा। हम अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा अपराध है। सबसे पहले आप देश की आबादी, अपनी बेटी बहनों को उनका अधिकार दें, उन्हें सुरक्षा दें। इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जब आपके नेतृत्व में देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपके इन जुमलों का। लेकिन देश की बेटियों के साथ ये खिलवाड़ बंद करें और झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस इसकी आवाज़ बुलंद करते रहेगी। राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की हो, लेकिन हमारी बेटी और बहनें सुरक्षित होनी चाहिए। जहां भी अन्याय होगा, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी, हम लोग सब मजबूत स्तंभ के साथ अपनी बहनों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये सारी मांगे हैं, ये केंद्र सरकार से मैं मांग करती हूँ कि मुजरिमों को छुपाने का काम बंद करें, उनको छत्रछाया देने का काम बंद करें, उन्हें अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस देश के कोने में हमारी बेटियों के साथ ये अपराध हो गया। इससे पहले विधानसभा में भी विपक्ष ने मामला उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। देखिए सदन के बाहर इस घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए, इन लोगों को उनको लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर सीएच या सराय 8 लोग ले गया शायद मोटरसाइकिल से, मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं, अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, हमारी सरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी करेगी। क्या बीजेपी सरकार में इस तरह की कई घटनाएं नहीं हुई है? विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है, और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झिंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में, इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी
हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक बुलडोजर के साथ घर उजाया जा रहा है, क्या बोल सकते हैं क्या ये लोग? घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। स्पेनिश अगर फॉरन की महिला अगर के साथ गैंगरेप हुआ है तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंता का विषय है और हम पहले जान तो लें क्या है नहीं है। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको देखते हैं हम लोग।